अध्यक्ष विक्रम उसेंजी बुधवार से 3 दिनी बस्तर संभाग के प्रवास पर है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंजी का कहना है कि सदन में भले ही बीजेपी के 15 विधायक हैं लेकिन सभी अनुभवी हैं, संसदीय परंपराओं से परांगत हैं। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंजी से खास बातचीत की हमारे स्वास्थ्य संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 12 से 19 जुलाई तक होना है और सत्र के दौरान बीजेपी आक्रामक नजर आ सकती है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी मौजूद हैं। सर, 12 तारीख से सत्र की शुरुआत हो रही है, एजेंडे क्या तैयार हो चुके हैं बीजेपी? निश्चित रूप से 12 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है बहुत छोटा सत्र है। उस दृष्टि से हमारे पास इतने बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार के खिलाफ हम चर्चा करने तैयार है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी पूरी तैयारी, हमारे विधायक दल के सभी साथी उसकी तैयारी में लग गए हैं। बहुत सारे प्रश्न लग चुके हैं, पहले दिन से ही स्थगन आने वाला है और लगातार मैं तो समझता हूँ रोज कई मुद्दों में रोज स्थगन आएगा। ऐसे पूरी तैयारी हो चुकी है और राज्य सरकार को घेरने के लिए इन 6 महीनों में मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो तमाम घोषणा पत्र के आधार पर ही सरकार बन करके आई जिस पर क्रियान्वयन की जल्दी बात कही थी, लेकिन वो बात हो चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ पर बिजली कटौती की बात हो, चाहे किसानों का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दों को लेके हम सरकार को निश्चित रूप से घेरेंगे। इसलिए पूरी तैयारी हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे विधायक साथी कर रहे हैं। बिल्कुल, दंतेवाड़ा में विधायक रहे भीमा मंडावी की हत्या का मामला है, सूरजपुर में जिस तरीके से थाने के भीतर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, ये मामले, ऐसे तमाम मामलों को उठाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। लगता है कि संख्या बल जो कि बीजेपी के पास कम है, 15 की तादाद में विधायक हैं, ये एक मजबूत स्थिति सदन के भीतर बनाते नजर आ सकते हैं और कांग्रेस को सरकार को कटघरे में खड़ा कर। ये संख्या बल की दृष्टि, हमारे सभी वरिष्ठ विधायक हैं और कानून व्यवस्था की मैंने बात कही, चाहे अपने पहले दिन स्थगन तो अपने भीमा मंडावी जी की क्या जो मामले है वो आयोग से चर्चा करने के लिए हमारे साथी तैयार हैं। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सरगुजा क्षेत्र का मामला जिसमें पर थाने पर भी एक व्यक्ति वहाँ हत्या करके मने पुलिस पर लग रहा है, तो ऐसे तमाम मुद्दे कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे विद्युत के कटौती का मामला हो, चाहे अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, तो रोज चर्चा करने को सरकार मने विपक्ष तैयार है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस सत्र में जो मानसून सत्र है, निश्चित रूप सरकार को अपने विपक्ष के भोपाल के बैरागढ़